साइंस और टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ही नई दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको कम बजट में आने वाली छोटी से लेकर बड़ी बड़ी ऐसी एडवांस मशीनें दिखाएंगे जिन राइस रिपर बाइंडर मशीन। दोस्तों, चावल की खेती करना जितना मुश्किल काम होता है, उतना ही मुश्किल काम होता है उसकी कटाई करना, लेकिन ये एडवांस मशीन इस काम को बेहद आसानी से कर देती है। दोस्तों, ये एक बहुत ही कम बजट में आने वाली इलेक्ट्रिक मशीन है। इस मशीन को सिंपली इसके हैंडल्स को हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, जिसके बाद ये मशीन बड़ी तेजी के साथ चावल के पौधों को काटकर उनका बंडल बनाकर साइड में पटकते जाती है। फ्रूट्स हार्वेस्टर। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों से फलों को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन को पेड़ों के पास से चलाया जाता है, जिसके बाद इस मशीन में लगे ऑटोमेटिक हैंड्स पेड़ के तनों को पकड़ पकड़ कर जोरदार वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से पेड़ों पर लगे सारे फल नीचे गिरते जाते हैं। दोस्तों, इस मशीन की बनावट ऐसी होती है कि सारे फल पेड़ों से गिरकर मशीन में जमा होते हैं, जिसके बाद मशीन में लगे कन्वेयर सिस्टम की मदद से इन फलों को कंटेनर तक पहुंचा दिया जाता है। पावर आर्म मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ पौधों को शेप देने के लिए किया जाता है। जब इस मशीन के आर्म को पेड़ के ऊपर चलाया जाता है तो इसमें लगी ब्लेड्स पेड़ों की पत्तियों को काटती चली जाती है। इस मशीन की ब्लेड्स काफी तेज होती है, जिसकी वजह से ये मशीन पौधों को काफी तेजी के साथ शेप देती है। और इस मशीन में एक वैक्यूम पाइप भी लगी होती है, जो मशीन से काटी गई पत्तियों को पीछे कंटेनर में खींच दी जाती है। ग्रास कटिंग मशीन। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से घास की कटाई करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में बड़े बड़े रोटेटिंग व्हील्स लगे होते हैं, जिसमें लगे कई सारे कटर बड़े बड़े खेतों का सफाया चुटकियों में कर देते हैं, और ये मशीन खेतों से घास को काटकर एक लाइन में जमा करती चली जाती है। पोटैटो डिगर। दोस्तों, कम बजट में आने वाली इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से आलू निकालने के लिए किया जाता है। ट्रैक्टर की मदद से चलने वाली इस मशीन के आगे की तरफ लगे हुए ब्लेड्स जमीन खोदने का काम करते हैं। इसके बाद मशीन में लगा जालीदार रोटेटिंग सिस्टम आलू और मिट्टी को अलग करके जमीन पर पटकते जाता है। मिनी राउंड बेलर। दोस्तों, कम बजट में आने वाली ये मशीन खेतों की कटी हुई घास को उठाने का काम करती है। इस मशीन को चारे के ऊपर से चलाया जाता है, जिससे इस मशीन के आगे की तरफ लगा रोटेटिंग सिस्टम जमीन पर पड़े चारे को लगातार अंदर की तरफ खींचता जाता है, जिसके बाद ऑटोमेटिक ही उस घास का रोल तैयार हो जाता है और फिर मशीन के पिछले हिस्से से इस रोल को बाहर धकेल दिया जाता है। कॉर्न हार्वेस्टर। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से भुट्टा निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हाथों से एक एक भुट्टा तोड़ने में कितनी ज्यादा मेहनत और समय लगता है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन इसी काम को ये एडवांस मशीन हंसते हंसते कर देती है। ये मशीन खेतों में खड़ी भुट्टे की फसलों को अपने अंदर खींचकर वेस्ट मटेरियल को पीछे फेंकती जाती है और भुट्टे के दानों को अलग अलग करके साइड में चलने वाले कंटेनर में भरती जाती है। ट्री कटिंग मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल पेड़ों को काटने के लिए किया जाता है, जिसके लिए मशीन सबसे पहले पेड़ों को अपने आर्म्स में बिल्कुल मजबूती से पकड़ लेती है। इसके बाद मशीन के नीचे लगा कटर पेड़ को बड़ी आसानी से काट देता है और फिर ये मशीन इस कटे हुए पेड़ को आड़ा करके इस पर लगी सारी अनवांटेड टहनियों को काटती चली जाती है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि सारी टहनियों को क्लीन करने के साथ साथ ये मशीन पेड़ को एक बराबर टुकड़ों में काटने का काम भी बड़ी तेजी के साथ करती है। फीड श्रेडर। दोस्तों, खेतों में फसलों की कटाई के बाद बची बेकार फसल से मवेशियों का चारा बनाया जाता है और इसके लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन के एक हिस्से में कटी हुई फसल को डाला जाता है और फिर मशीन के तेज धारदार कटर फसल के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मैनुअल मशीन में भेजते जाते हैं, जहाँ पर चारों को कंप्रेस करके बोरी में भरकर पैक कर दिया जाता है।